जीसस परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के संगति में मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आई रियली थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। हम पिछले दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग सीख रहे थे। कलीसिया के बारे में, कलीसिया को एक उदाहरण के रीति से नामीकरण दिया गया, खेत के समान। द चर्च इज बीन गिवन इन एन एग्जाम्पल विच इज़ रिफर्ड एज ए फार्म। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया को एक खेत के समान बताया गया है। इसलिए मैं बता रहा था यूहन्ना के किताब 15वां अध्याय पहली वचन। आई वॉज बीन डिस्कसिंग अबाउट फ्रॉम जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 का 1 इस तरीका से कहता है, आई एम द ट्रू वाइन। यूहन्ना का सुसमाचार जॉन चैप्टर 15 वर्स 1, आई एम द ट्रू वाइन। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं ही हूँ वो द्राक्षलता। आई एम जीसस इज द ट्रू वाइन। इसीलिए हमें क्या करना था, यीशु मसीह के साथ जुड़ित रहना जरूरी है। वी नीड टू बी फिक्स्ड विथ जीसस। वी नीड टू बी फिक्स्ड विथ जीसस। यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता कायम रहना जरूरी है। इफ वी आर नॉट रूटेड और फिक्स्ड विथ जीसस, वी कैन नॉट बी फ्रूटफुल। हम अगर यीशु मसीह के साथ नहीं रहते तो कभी भी हम लोग क्या नहीं हो सकते हैं, फलपूर्ण नहीं बन सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 15:1 में बता रहे हैं, मैं ही द्राक्षलता हूँ। दैट्स द रीजन जॉन 15:1 सेज जीसस इज द ट्रू वाइन। इसीलिए इस दुनिया के हर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ित होना जरूरी है। सो इट इज रिक्वायर्ड दैट द होल वर्ल्ड, the people who are in this world should fix themselves with Jesus. If they are fixed with Jesus, then only the growth can be seen. अगर यीशु मसीह के साथ हम जुड़ित हैं तो ही हमारे जीवन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फलपूर्णता, नहीं तो बढ़ोतरी में हमारा जीवन चल सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जीसस इज द ट्रू वाइन। यीशु मसीह ही है वो सच्चे द्राक्षलता। इसलिए उसके 4वीं वचन बताता है, 15:4 से, रिमेन इन मी एंड आई इन यू। यीशु मसीह के साथ हमें, माने सच्चे द्राक्षलता के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। वी नीड टू रिमेन विद जीसस। इफ वी रिमेन विद जीसस, जीसस विल रिमेन विद अस, देन देर कैन बी ए ग्रोथ विच नो वन कैन स्टॉप। ऐसा होने पर हम यीशु के साथ, यीशु मेरे साथ जब हम मिलके हैं तो एक वृद्धि, एक बढ़ोतरी होने की शुरुआत हो सकती है, ताकि उस बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सके। Nobody can hinder that growth. So we need to fix ourselves with Jesus. इसीलिए यीशु मसीह के साथ हमें क्या करना चाहिए, जुड़ित होना जरूरी है। It is for every tribe, every language speaking people, every nation, they should fix themselves with Jesus. इसीलिए यीशु मसीह के साथ सब कोई, सब जाति के लोग, सब भाषावानी भाषा में बात करने वाले, नहीं तो हर शैली के रीति से जीवन यापन करने वाले सब मनुष्य यीशु मसीह के साथ जुड़ित होना जरूरी है, तो ही उनके जीवन में ग्रोथ हो सकती है। देन ओनली देर कैन बी ग्रोथ सीन, एंड दैट ग्रोथ कैन नॉट बी हिंडर्ड बाय एनीबॉडी। उस तो ऐसा होने पर कोई भी उस बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। लो, दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम रोमियो के किताब 11वां अध्याय उसकी 17वां वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, इफ यू टर्न अवर बाइबल्स टू रोमन्स चैप्टर 11:16-17, व्हाट डज इट सेज? उसकी 16वीं और 17वीं वचन क्या बोलती है? इफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द डव ऑफर्ड एज द फर्स्ट फ्रूट इज होली, सो इज द होल बैच, एंड इफ द रूट अब्राहम द पेट्रिक इज होली, सो आर द ब्रांचेस। इसलिए एक चीज हमें मालूम करनी चाहिए, अब्राहम से इसराइल को परमेश्वर क्या किए, बाहर निकाले। सो थ्रू अब्राहम द इसराइलाइट्स केम आउट। बट वॉट डिड इट हैपन, क्या हुआ कि इसराइलिया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर से जुड़ित होने के लिए रिश्ता कायम नहीं रख पाए। द इसराइलाइट्स कुड नॉट रिमेन इन गॉड और एल्स रिमेन विथ गॉड, नहीं तो परमेश्वर के साथ जुड़ित नहीं रख सके।
एक ऐसी एक टूटाव, नहीं तो एक तोड़ने की अनुभव आ गई। कहाँ? परमेश्वर अब्राहम, जैसा अब्राहम परमेश्वर ने अब्राहम को ढूंढने के कारण वो परमेश्वर के साथ जुड़ित बन सका। अब गॉड कॉल्ड इब्राहम एंड फिक्स्ड हिम अप एंड ही टुक आउट द ब्रांचेस और द इजराइलाइट्स, बट दे स्टार्टेड टू सेट देयर लाइफ बींग अवे फ्रॉम गॉड। तो वो अपने जीवन में क्या करना शुरू किए, इसराइलिया परमेश्वर से दूर 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 होना शुरू किए। दूर होने के कारण वो जो जो मिलावट थी, द फिक्सेशन विच वॉज विद गॉड एंड इसराइलाइट्स, इट गॉट ए ब्रोकननेस, नहीं तो उसमें एक टुटाव, टूट जाने वाली एक अनुभव। दैट्स व्हाट इट सेज इन 17, 17वां वचन में इसी तरीके बोले, इफ सम ऑफ द ब्रांचेस वेर ब्रोकन ऑफ एंड यू जेंटाइल्स, हेलो, इन द गार्डन ऑफ एदन, एदन के वाटिका में भी वैसे ही हुआ। क्या हुआ? जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था उस रिश्ता क्या हो गया, कट गई। वट एवर वॉज द रिलेशनशिप विथ एडम एंड गॉड, इट हैड ए क्रैक, इट गॉट ए क्रैक और इट गॉट ए ब्रोकननेस। उस वो वहां टूटने के कारण वी वेर एलियनेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से हम अलग हो गए। Even in such ways, उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को चुना। इन दैट पर्टिकुलर वे इवन गॉड चोज इब्राहम सो दैट ही कुड फिक्स देम अप। अब्राहम को मिलाकर परमेश्वर चाहे ताकि उनको मिलाए। थ्रू अब्राहम गॉड टुक आउट इज़राइलाइट्स, अब्राहम के अंदर से परमेश्वर इसराइलियों को बाहर निकाले, मगर वो भी परमेश्वर के साथ जुड़ित नहीं रह पाए। इवन द इज़राइलाइट्स कुड नॉट रिमेन इन गॉड, सो देयर वाज़ ए कट ऑफ। तो उनके अंदर एक टूटने की अनुभव। सो वॉट हैपन टू अस, वी बिकेम जेंटाइल्स, हम अन्य जाति बन गए। इसलिए यहाँ बताए 17th verse says, being like a olive shoot were grafted in among them to share with them the rich root of the olive tree. Hello. Why did Jesus came into this world? यीशु मसीह से दुनिया में आने की कारण क्या है? So that he could graft us. तो यीशु मसीह के आने की मकसद क्या है? ताकि हमें फिर से मिलाने के लिए, to graft us and to be fixed with the root, to be fixed with the tree, to be fixed with the vine. Hello. So we need to understand. इसलिए एक चीज हमें मालूम करना जरूरी है कि यीशु मसीह ही हमें फिक्स कर सकते हैं। Only Jesus can fix us with God. We must be rooted to him. We must be fixed with him. Through Israel, we cannot be fixed. We cannot bear any fruit. हम इसराइल के साथ जुड़ित होने से कभी भी फलपूर्ण नहीं बन सकते। हमारे अंदर फलपूर्णता आना है तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के साथ जुड़ित होना जरूरी है। If we need to be fruitful, if we need to see fruitfulness, we need to fix ourselves with Jesus. Hello. So we were, इसीलिए हम लोग सोच रहे थे तो कलीसिया की क्या क्या फल पूर्णता यीशु मसीह के साथ आधारित है। तो सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द चर्च रिसीव इट्स फ्रूट व्हेन द चर्च इज फिक्स्ड और रिमेन विथ क्राइस्ट। हेलो, इसलिए हमें मालूम करना चाहिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को प्लांट किया। गॉड हैड नाउ इन क्राइस्ट प्लांटेड द ट्रू वाइन। हेलो, सच्चे द्राक्षलता को परमेश्वर क्या किए, यीशु मसीह के द्वारा प्लांट किए। हेलो, गॉड प्लांटेड क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह को प्लांट किए सच्चे द्राक्षलता के समान, ताकि हम उसके साथ क्या कर सके, जुड़ित बने रहे। दैट्स द रीजन वी नीड टू फिक्स आवर सेल्फ विथ Jesus for better fruit.
समृद्धि की फल पूर्णता के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ित होना जरूरी है। अवे फ्रॉम क्राइस्ट वी कैन नॉट हैव फ्रूट, वी कैन नॉट रिमेन विद गॉड। अगर हम परमेश्वर से अलग अलग ठहर जाएंगे तो कभी भी हमारे अंदर क्या नहीं होगी, फल पूर्णता नहीं आ सकती। हेलो, अगर इफ यू टर्न अवर बाइबल्स टू एफिशियंस चैप्टर 5:23, इफिसियों का किताब उसकी पांचवी अध्याय उसकी पांचवी अध्याय की 23वां वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां देख सकते हैं, वी सी ऐसा देख सकते हैं, फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च हिमसेल्फ बीइंग द सेवियर ऑफ द बॉडी। हेलो, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, यीशु मसीही। हेलो, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का सर यीशु मसीह है। सो वी नीड टू फिक्स विथ हिम, उसके साथ हमें जुड़ित होना जरूरी है। व्हाई? फॉर बीइंग सेव्ड, हमें उद्धारी पाने के लिए, टू गेट सेव्ड। हेलो, वी नीड टू गेट सेव्ड इफ वी आर फिक्स्ड विथ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के साथ अगर जुड़ित हैं तो हम हमारे शरीर से हम क्या पाए हैं, उद्धारी, सेवियर ऑफ द बॉडी। क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द बॉडी, यीशु मसीह ही है हमारे शरीर की उद्धारकर्ता। हेलो, सो स्टार्ट फिक्सिंग योर लाइफ विथ जीसस, अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हो, फिक्स करना शुरू करो, स्टार्ट फिक्सिंग इट। सो क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का क्या सर यीशु मसीह है। तो जैसे एक शरीर सर के साथ जुड़ित है, जैसा कलीसिया है यीशु मसीह के साथ जुड़ित है, तो ही उसके अंदर क्या हो सकती है, सब न्यूट्रिशंस मिल सकती है। इफ द हेड एंड द बॉडी इज बीन फिक्स्ड टुगेदर, देन ओनली देयर कैन बी न्यूट्रिशन अवेलेबल टू द कंप्लीट बॉडी एंड द कंप्लीट बॉडी कैन ग्रो इक्वली। तो पूरी तरीके से शरीर क्या कर सकता है, बढ़ोतरी पा सकता है, उन्नति पा सकता है। इट रिसीव्स मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माने उस शरीर को जरूरी वाला मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन सब कुछ उसे शरीर में क्या एक रीति से जा सकता है। दैट्स द रीजन द कंप्लीट बॉडी ग्रोस, इसलिए उस पूरा शरीर क्या होने लगता है, बढ़ोतरी होने की अनुभव हो सकती है। इफ द बॉडी इज कंप्लीटली ग्रोन, देन ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रेडी फॉर मैरिज। अगर एक व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से अगर मैच्योर नहीं बना, ही कैनॉट बी मैरिड टू ए वुमन। हेलो, एक व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं बना, नहीं तो पूरी तरीके से उसकी क्या श्रेष्ठता नहीं हुई, तो वो व्यक्ति कभी भी शादी करने की लायक नहीं बन सकता। इसीलिए ना वहां पे लिखा है 5:22, फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, हस्बैंड वाइफ। हाउ? इफ द बॉडी रिसीव्स द कंप्लीट रिक्वायरमेंट टू बी मैच्योर एनफ, जब एक शरीर पूरी तरीके से मैच्योर तरीके से बढ़ेगी तो ही उसको वो व्यक्ति को है तो स्वामी नहीं तो स्त्री बनने की योग्यता शादी के द्वारा मिल सकता है। इफ द बॉडी डज नॉट ग्रो मैच्योरली कंप्लीट, ही कैन नॉट रिसीव अ ब्लसिंग कॉल्ड हस्बैंड और अ ब्लसिंग कॉल्ड वाइफ थ्रू वेडिंग और थ्रू मैरिज। इसलिए हम यहां पे मालूम करना चाहिए, जीसस इज द हेड एंड द चर्च शुड फिक्स विद द हेड। इसीलिए यीशु मसीह सर होने के कारण कलीसिया उसके साथ जुड़ित रहना चाहिए, तो ही मैच्योरिटी आ सकती है, तो ही बढ़ोतरी आ सकती है। दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए उस चीज को हमें अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, मालूम करना चाहिए।
अगर कुलीसियों की किताब दूसरी अध्याय उसकी 19वां वचन पढ़ते हैं, इफ यू टर्न आवर बाइबल्स टू कुलीसियंस चैप्टर 2 वर्स 19, व्हाट डज इट से? वहां पे ऐसी बताई गई है, एंड नॉट होल्डिंग फास्ट टू द हेड ऑफ द बॉडी जीसस क्राइस्ट, फ्रॉम हुम द एंटायर बॉडी सप्लाइड एंड निट टूगेदर बाई इट्स जॉइंट्स लिगमेंट्स ग्रोथ grows with the growth that can come only from God. Hello, if you fix yourself with Jesus Christ, agar Yeshu Mashiach ke saath to fix bane rahega, your entire body get it supplied fully, the entire body gets knit together, even the joints, ligaments and the complete body organs start growing. How does this growth happen? This growth happens only from God, परमेश्वर के साथ. इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये जैसे अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ित हैं तो हमारा शरीर की जो भी सप्लाई है, जरूरत है, नहीं तो हमारे शरीर की सब अवयवों को मिला मिला कर रखने के लिए परमेश्वर क्या कर सकेंगे, सब रीति की सप्लाई, सब रीति की क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट परमेश्वर हमें देंगे ताकि हमारे अंदर बढ़ोतरी आ सकते. देयर कैन बी ए ग्रोथ Which can be from God. परमेश्वर के द्वारा मिली गई एक ग्रोथ आ सके. That's the reason we need to understand. The church should grow in Christ. परमेश्वर के द्वारा कलीसिया बढ़ना जरूरी है. Praise you, Jesus. इसलिए हमें आज सुबह के समय मालूम करनी चाहिए the church should grow. कलीसिया बढ़नी जरूरी है. Because church belongs to God. अगर कलीसिया परमेश्वर की है तो कलीसिया क्या करना चाहिए, बढ़ना जरूरी है. So what should we do? Let's start remaining in Christ. परमेश्वर के साथ मिलना शुरू करेंगे. Hold on to Christ. परमेश्वर के साथ जुड़ित होना शुरू करेंगे. So that we can receive the entire supply for the body. इस ताकि हम शरीर की जो कुछ भी जरूरी हिस्सा है वो सब कुछ क्या कर सकता है, मिल सकता है. Even the joints and ligaments can fix up together. अगर शरीर की क्या बोलते हैं हड्डियां मिलके रुक सकेगा तो ही वो शरीर खड़ा हो सकता है. If the ligaments and joints does not fix together, a person cannot stand. So we need to understand the church can only stand if the joints and ligaments are fixed together. जब तक कि शरीर की हड्डियां नस नसियां मिलती नहीं तब तक वो व्यक्ति खड़ा नहीं सकता. ऐसा है तो कलीसिया को खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, मिलावट, यूनिटी. आई डिक्लेयर यूनिटी इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में अभी मिलावट कलीसिया के अंदर आनी चाहिए. दैट्स द रीजन. इसलिए बाइबल कहती है कलीसिया को शरीर के विविध अवयवों के रीति से वर्णन किया गया था. दैट्स द रीजन चर्च इज बीन डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. If the complete body parts does not fix together with the body, then what is the use? अगर पूरी शरीर क्या कर नहीं सकता, शरीर के साथ मिलजुल कर, नहीं तो शरीर की अंग प्रत्यंगे शरीर के साथ जुड़ित नहीं रुक सकता. So what is the use of that body? ऐसा है तो वो शरीर का क्या फायदा, what's the use? इसीलिए यहां आखिरी में बताया गया है ग्रो विथ द ग्रोथ दैट कैन कम ओनली फ्रॉम ग्रो गॉड. ऐसी एक बढ़ोतरी में बढ़ो ताकि वो बढ़ोतरी परमेश्वर से आ सके. इफ यू रिमेन इन क्राइस्ट, अगर तुम परमेश्वर के साथ जुड़ित हो, यू रिसीव ए ग्रोथ फैक्टर दैट इज फ्रॉम गॉड. वो परमेश्वर के द्वारा है. Why did God do that? वो परमेश्वर क्यों किए, ताकि तुम बढ़ोतरी पा सको. सो दैट यू कैन बी सीन ग्रोइंग. हेलो, दैट्स द रीजन आई वॉज डिस्कसिंग. चर्च इज कॉल्ड एज ए फार्म. कलीसिया को एक खेत के समान बताया गया है. तो खेत में अगर बीज बोए हैं तो वो बीज क्या करना चाहिए, उग कर आना चाहिए और उस पेड़ को खड़ा रखना चाहिए. इफ चर्च इज कॉल्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्म एंड इफ वी प्लांटेड सम सीड, इफ दैट सीड स्टार्टेड ग्रोइंग एंड द प्लांट शुड स्टैंड,
इफ द प्लांट डज नॉट स्टैंड वी कैन नॉट से इट्स अ प्लांटेशन और अ फार्म। जब मैं खेत में पेड़ पौधे उग कर खड़े नहीं होते, हम कभी नहीं बोल सकते वो एक खेत है, वो एक प्लांटेशन है। हेलो, इट गिव्स अ सिंबल, वो एक क्या बोलते हैं, एक चिन्ह दिखाता है कि कुछ लगा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ खड़ा है। दैट शुड बी द रीजन फॉर द चर्च। कलीसिया का भी वही अनुभव होना जरूरी है। The church should stand with complete body fixed together, with all the bones and joints and the complete structure fixed together and stand. तो पूरी शरीर के अवयव, पूरी शरीर की हड्डियां, पूरी शरीर के सब कुछ मिलकर क्या कर सकते, खड़े होना जरूरी है। लो, प्रेज़ यू लॉर्ड। We need to grow, and that growth comes from God. हमारे जीवन में बढ़ोतरी जरूरी है, और उस बढ़ोतरी कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। So fix yourself with Christ, यीशु मसीह के साथ तुम fix कर लो, you will receive your growth from God. परमेश्वर तुम क्या पा सकते हो? Growth पा सकते हो। You can grow. Hello. We need to understand that. The church should understand that. कलीसिया उस चीज को क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। Hello? The church should understand that. कलीसिया उस चीज को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, जानना पड़ेगा। If the church cannot stand, so there is some defect in the growth or there is some defect in the part. अगर कलीसिया खड़ा नहीं हो रही है तो उस कलीसिया के अवयवों में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, नहीं तो उस शरीर के कुछ भागों में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। सो आज के इस सुबह के समय इस मैसेज से एक चीज मैं पवित्र आत्मा से बोलना चाहता हूँ, द लॉर्ड इज रेडी टू फिक्स यू। परमेश्वर रेडी है तुम्हें फिक्स करने के लिए। ही इज रेडी टू फिक्स यू राइट नाउ। Give your life to Jesus. अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ समर्पण कर दो। Receive His word. उसके वचनों को receive कर लो। You will get a fixation. He will fix you up. वो तुम्हें पूरी तरीके से बना लेगा। And you can have growth from God. ऐसा होने पर तेरे जीवन में क्या हो सकती है? बढ़ोतरी, उन्नति, जो कि परमेश्वर से। So that the complete body can fix together, ताकि पूरी शरीर के अवयव क्या कर सकते हैं, मिल बांट कर रह सकती है, और पूरी शरीर मिलकर सर के साथ मिले रह सकता है। So if the complete body is fixed together, then that body can fix with the head. Hello, church can get fixed with Christ. आज यीशु मसीह के नाम में ऐसे फिक्सेशन होनी जरूरी है। परमेश्वर, लेट फिक्सेशन हैपन, लेट थिंग्स बी फिक्स्ड। यीशु मसीह के नाम में चीजें फिक्स होने दो। वी डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस। हेलो, अगर हम याकूब के किताब 5वीं अध्याय उसकी 7वीं वचन अगर पढ़ते हैं, लेट्स टर्न अवर बाइबल्स टू जेम्स चैप्टर 5:7। What does it says? Here we see an example. So wait patiently, brothers and sisters, until the coming of the Lord. The farmer waits expectantly for the precious harvest from the land, being patient about it until it receives the early and the late rain. Hello. मेरे साथ में हो। अगर हम कलीसिया बनकर बढ़ोतरी नहीं पाते हैं तो फल काटने की समय कब आएगी? इफ वी इन ए प्लांटेशन और इन ए फार्म डज नॉट ग्रो और डज नॉट स्टैंड प्रॉपरली, हाउ कैन द हार्वेस्ट फ्रॉम द लैंड बीन सीन?
हेलो, इसलिए एक चीज हमें मालूम चल रहा, देर इज अ टाइम फॉर हार्वेस्ट, खेत काटने की एक समय है। ये यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है, जैसे एक खेती खेती में काम करने वाला चास कर्मचारी, नहीं तो फार्मर, वेट्स एक्सपेक्टिंग फॉर द हार्वेस्ट। हेलो, खेत में खेत हु प्लांटेड दैट ट्रीज, और हु प्लांटेड दैट वाइन्स, और हु प्लांटेड दैट प्लांटेशन, गॉड प्लांटेड इट, परमेश्वर ने उसको क्या किया, प्लांट किया, गॉड सेंट हिज प्रीचर्स, प्रॉफेट्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स टू फिक्स अस। परमेश्वर ने उस पेड़ पौधों को लगाया, लगाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवक्ताओं को भेजा, प्रेरितों को भेजा, सुसमाचारकों को भेजा, अभिषिक्तों को भेजा, ताकि हमारे अंदर फिक्सेशन हो, सो दैट वी कैन ग्रो 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 टिल हार्वेस्ट। हेलो, कटने की समय तक हमें क्या करना चाहिए, बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। इफ यू कैनॉट स्टैंड, हाउ कैन यू बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट? इफ द प्लांटेशन डज नॉट स्टैंड प्रॉपरली, हाउ कैन इट बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट? हाउ कैन इट गिव द बेस्ट फ्रूट? अगर खेत में जो भी उगा है वो खड़ा नहीं होता है, नहीं तो उसमें उन्नति नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, तो कैसे वो हार्वेस्ट के लिए तैयार बन सकता है, नहीं तो कटने के लिए कैसा वो तैयार हो सकता है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो द फार्मर वेट्स पेशेंटली। इसीलिए खेत में खेती करने वाला वो कर्मचारी, ही इज वेटिंग पेशेंटली। हेलो, वी सर्व ए गॉड हु इज पेशेंट एनफ टू सी फ्रूट इन अस। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा आराधना करते हैं जो परमेश्वर की हमारे अंदर फ्रूट मिलने तक, हु इज पेशेंटली वेटिंग फॉर अस। हेलो, परमेश्वर की आगमन की समय रेडी हो गई है। सो द लॉर्ड्स कमिंग इज वेरी वेरी नियर। आर यू रेडी विद द हार्वेस्ट? इज द चर्च रेडी फॉर द हार्वेस्ट? हेलो, कलीसिया कटने के लिए तैयार है क्या? गॉड इज वेटिंग पेशेंटली। परमेश्वर पेशेंस के साथ खड़े हैं। हेलो, द चर्च शुड बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट। खेत कटने के लिए कलीसिया क्या करना चाहिए, रेडी बन के रहना चाहिए। फिक्स योर सेल्फ विद जीसस, फिक्स योर सेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को वचन के द्वारा फिक्स कर लो, परमेश्वर के द्वारा फिक्स कर लो। बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट, द लॉर्ड्स कमिंग इज वेरी नियर। परमेश्वर की आगमन बहुत करीब आ चुकी है। हियर दिस ओ पीपल, लोगों इस आवाज को सुनो। गॉड इज टू पेशेंट फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए बहुत पेशेंस के साथ वेट किए हैं। ही इज वेटिंग फॉर द टाइम टू सी द हार्वेस्ट। वो परमेश्वर वेट कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर कटने की समय दिखाई पड़ने के लिए। हेलो, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, मेक अस फ्रूटफुल लॉर्ड, मेक अस रेडी फॉर द हार्वेस्ट लॉर्ड। गॉड वेट्स पेशेंटली। जैसा एक कर्मचारी एक खेत में काम करने वाला एक चासी पेशेंटली वेट करता है, वैसे परमेश्वर वेट कर रहे हैं। गॉड वेट्स, गॉड पेशेंटली वेट्स टिल द हार्वेस्ट। बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट, द टाइम इज वेरी नियर। खेत कटने की समय के लिए तैयार बने रहो, परमेश्वर आ रहे हैं। लेट्स टर्न अवर बाइबल्स टू 2 Timothy 2:6। दूसरी तिमोती की किताब दूसरी अध्याय उसकी 26 वचन। द हार्ड वर्किंग फार्मर हु लेबर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप ऑट टू बी द फर्स्ट
टू रिसीव हिज शेयर ऑफ द क्रॉप्स। हेलो, द हार्ड वर्किंग फार्मर्स। लो, कलीसिया की उन्नति के लिए कष्टकर रीति से काम करने वाले खेती कर्मचारियां हैं। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। आई मीन गॉड सप्लाइड मैनी अनॉइंटेड प्रीचर्स, अनॉइंटेड टीचर्स, अनॉइंटेड अपोस्टल्स, अनॉइंटेड इवेंजलिस्ट, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड पास्टर्स। दे आर वर्किंग हार्ड एनफ फॉर द चर्च। कलीसिया की उन्नति करने के लिए अभिषिक्त सेवकों को, दासों को परमेश्वर नियुक्त करके रखे हैं। दे आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। वो लोग अपने मन, अपने क्या करते हैं, परिश्रम पूरी तरीके से दिखाते हैं। वाई, क्यों क्यों, वाई डू 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 दे गेट एनी पर्सनल गेन? वो अपने जीवन में कुछ अपने खुद की कुछ फायदा के लिए कर रहे हैं क्या? नो, दे आर वेटिंग फॉर द शेयर ऑफ देयर क्रॉप्स। अपना शेयर परमेश्वर को दिखाने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए। दे आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। हेलो, सो द चर्च शुड ग्रो इक्वली। कलीसिया एक साथ बढ़ना जरूरी है। द चर्च शुड ग्रो, देर शुड बी ए कंप्लीट ग्रोथ। प्रोड्यूस 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 समथिंग, ग्रो एंड प्रोड्यूस समथिंग। अपने आप में बढ़ो और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करो। द हार्वेस्ट इज वेरी नियर। इफ यू कांट प्रोड्यूस, व्हाट्स द यूज ऑफ बीइंग इन द प्लांटेशन और इन द फार्म? इफ यू कांट ग्रो, व्हाट्स द यूज ऑफ बीइंग इनसाइड द फार्म और इनसाइड द प्लांटेशन? जब तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी नहीं आती, जब तुम्हारे अंदर क्या नहीं होती, सब कुछ फलदायकता नहीं आती, तो खेत में रुककर क्या फायदा? इट इज गुड टू बी आउटसाइड द फार्म। अगर ऐसा है तो तुम्हें खेत के बाहर रुकना ही बहुत अच्छा है। नो, गॉड डज नॉट वॉन्ट यू बी वॉन्ट टू बी आउट ऑफ द फार्म। खेत के अंदर से परमेश्वर तुझे बाहर नहीं चाहते। बी इनसाइड द प्लांटेशन, बी इनसाइड द फार्म, ग्रो एंड प्रोड्यूस समथिंग। पीपल आर वर्किंग ऑन यू, होली स्पिरिट इज वर्किंग ऑन यू, द वर्ड ऑफ गॉड इज वर्किंग ऑन यू, हेवनली गॉड इज वर्किंग ऑन यू। प्रोड्यूस प्रोड्यूस, ग्रो ग्रो ग्रो, रिमेन इन हिम। परमेश्वर के साथ जुड़ित रहो, कलीसिया के साथ जुड़ित रहो, अभिषेकों के साथ मिलित रहो। बनाओ जहां बनाना जरूरी है। सो सेकंड तिमोथी चैप्टर 2:6 सेज, द हार्ड वर्किंग फार्मर हु लेबर देमसेल्फ। हेलो, इफ यू आर ए पार्ट ऑफ ए चर्च, अगर तुम कलीसिया के एक सौभागी हो, वर्क हार्ड फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए कष्ट कर रीति से काम करो। यू आर कॉल्ड विथ, यू आर कॉल्ड एंड बीन गिवन विथ सम टैलेंट्स। तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया और कितने अच्छे दानों को भी परमेश्वर आपको दिया है। यूज इट फॉर द ग्रोथ ऑफ चर्च, कलीसिया के उन्नति के लिए उपयोग करो। हेलो, हेलो, आर यू देयर विथ मी? बी स्ट्रांग इन गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के कृपा में बढ़ो, बलवान बनो। हेलो, परमेश्वर के कृपा में बलवान बनो। बी स्ट्रांग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, स्टार्ट वर्किंग।
ऐसे होने पर ही कलीसिया की क्या हो सकती है? ग्रोथ हो सकती है, कलीसिया कुछ प्रोड्यूस कर सकती है। इफ दे आर फिक्स्ड विद गॉड, इफ वी आर फिक्स्ड विद क्राइस्ट, देन ओनली दे कैन प्रोड्यूस समथिंग। अवे फ्रॉम क्राइस्ट दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। सो बी ए हार्ड वर्किंग फार्मर, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द चर्च। कलीसिया के अंदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हस्बैंड ऑफ द हाउस, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए चिल्ड्रन टू योर पेरेंट्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर। हेलो, बी रेस्पॉन्सिबल, यूज योर टैलेंट फॉर समथिंग विद इन योर फैमिली, विद इन योर कम्युनिटी, within your church, within the world, grow and produce something। बढ़ो और कुछ कुछ प्रोड्यूस करो जहां परमेश्वर तुम्हें रखे हैं। If you are a father, be responsible as a father, work as a father, produce as a father, grow as a father, allow the family to grow through you। If you are a son or a daughter, grow within your family, work for your family, do something for your family so that you can grow ready for the harvest। If you are a husband, make your family to grow। If you are a believer, work for your church, apni kalisiya ke liye kaam karo, make attempt to produce something। कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ फल पूर्णता आने की रीति से तुम अपना हिस्सा दो। इट इज टाइम टू यूनाइट टूगेदर। ये ऐसी एक समय है, मिलने की समय। लेट्स यूनाइट टूगेदर, डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, डू समथिंग फॉर द चर्च। एज ए हार्ड वर्किंग फार्मर works in his farm, जैसे एक कष्ट तरीके से काम करने वाला, एक खेती, एक चासी कष्ट कर रीति से काम करता है। क्यों? He is laboring to produce some crops। वो क्या कर रहा है, इतना कष्ट क्यों कर रहा है? ताकि कुछ ना कुछ क्या फल उसके अंदर से मिल सके। हेलो, स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड, स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द चर्च। इफ नॉट, व्हाट्स द यूज ऑफ बीइंग इनसाइड द चर्च? ऐसा ना होने पर कलीसिया के अंदर रुक कर क्या फायदा बनेगी? हेलो, टाइम इज रनिंग आउट, समय दौड़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करो, कलीसिया के लिए करो। अब पहली कुरिंथिया की किताब, उसकी तीसरी अध्याय, उसकी नवी वचन, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर 3:9। थैंक यू जीसस। फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स, हिज सर्वेंट, वर्किंग टुगेदर। यू आर गॉड्स cultivated field, his garden, his vineyard। Hello, if you are a member of the church, कलीसिया के अंदर के एक सदस्य हो, if you are a person who is fixed with Christ, अगर एक व्यक्ति, तुम ऐसे एक व्यक्ति हो जो यीशु मसीह के साथ जुड़ित हो, you are God's fellow worker, तुम परमेश्वर के क्या है, कर्मचारी हो। God's fellow workers। Hello, God's fellow workers, what a name! कैसे एक नामकरण किया गया है, परमेश्वर के सेवक। Why?
ही सर्व एंड वर्किंग टुगेदर, हेलो, मिलके उन्नति लावो। ग्रो टुगेदर, वर्क टुगेदर, प्रोड्यूस समथिंग। आर यू देयर विथ मी? वी आर गॉड्स को वर्कर्स। हेलो, इफ वी ग्रो इक्वली वी आर गॉड्स को वर्कर। स्टार्ट बीइंग रेस्पॉन्सिबल इन द चर्च। कलीसिया के अंदर क्या करो, अपनी भाग को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करो। His servants working together. We should be people working together. कलीसिया के अंदर विश्वासियां बनकर, सेवकें बनकर, अभिषेकते बनकर मिलके काम करें। Let's join together and work together for the Lord. Right now, the world is running so bad. Churches are running so bad. They are just denominational. They are just making groups. Hello, where is your unity? तुम्हारे अंदर तुम्हारा मिलाव कहाँ है? You are God's plantation. You are God's farm. You are for God. Why do people make denominations? Religion, sect, group, and split the unity. In the name of Jesus, I declare unity. We should understand it very better. इस चीज को हमें अच्छी तरीके से पहचानना जरूरी है। जब तक इस चीज को हम पहचानते नहीं, we need to work together so that the complete plantation can grow together. Hello, his servants working together. So this is the time to come and join together with the Lord. Parmeshwar ke sath milkar kaam karne ki shuru karenge. Kalisiya ke sath milkar kaam karna shuru karenge. Let's fix within the church and work together. Why? You are God's cultivated field. तुम परमेश्वर के खेत हो, His garden, His vineyard. Think of the garden of Eve. एदन की वाटिका को एक बार देखो. God planted it. God gave it to Adam. आदम के हाथ में परमेश्वर उस वाटिका को दे दिया. Why? Why did he give? He gave the complete garden to Adam and Eve so that they can be responsible. They can do something within the garden to glorify God, to produce a harvest, to produce something so that it can be beneficial to many. ताकि उसके अंदर उन्नति आने पर बहुतों को फायदामंद बन सके. So our church should be so, our servant should be so, and our वर्किंग स्टाफ शुड बी सो. कलीसिया के अंदर के सब सदस्य, कलीसिया के अंदर के सब व्यक्तियां उसी तरीके से होना जरूरी है. इफ वी डू नॉट ग्रो, व्हाट्स द यूज? हेलो, सो लेट्स यूनाइट यू आवर सेल्फ विद गॉड. लेट्स बी गुड प्लांटेशन, वेट फॉर द हार्वेस्ट. हम अपने कटने की समय के लिए हम तैयार बन के रह सकते हैं. द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी नियर.
परमेश्वर की आगमन की समय बहुत करीब आ चुकी है। आर यू रेडी विथ योर हार्वेस्ट? आर यू रेडी विथ योर क्रॉप्स? हेलो चर्च, आर यू रेडी? कलीसिया, तुम अपने आप को प्रस्तुत बना के रखे हो क्या? अपने खेत को तैयार बने रखे हो क्या? खेत के अपने कलीसिया के सदस्य तैयारित है कि नहीं? हेलो, आर यू ए गुड कल्टीवेटर? आर यू ए गुड प्रोड्यूसर? आर यू ए पर्सन हु इज मेकिंग द क्रॉप्स टू ग्रो? आर यू ए पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग? तुम ऐसे एक व्यक्ति हो क्या? उन्नति लाने वाले हो क्या? तुम बढ़ने वाले एक व्यक्ति हो क्या? तुम कलीसिया को उन्नति देने वाला एक व्यक्ति हो या नहीं? आर यू रेस्पॉन्सिबल इन द चर्च? आर यू रेस्पॉन्सिबल इन द फैमिली? तुम अपने कलीसिया में तुम रेस्पॉन्सिबल हो क्या? हेलो, गिव योर टाइम टू गॉड। इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। Ask the Holy Spirit to guide you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करने के लिए आज परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करके बोलेंगे, मैं परमेश्वर यूज मी लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी ए गुड हार्ड वर्किंग फार्मर। मैं कलीसिया के एक कष्ट करके प्रयास करके काम करने वाला एक व्यक्ति बनूं। आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस समथिंग लॉर्ड। आई वॉन्ट टू बी रेस्पॉन्सिबल इन द चर्च। मैं अपनी कलीसिया में मैं रेस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ। इज अ टाइम टू जस्ट सरेंडर बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को हम लोग सौंपेंगे, बोलेंगे लॉर्ड रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाई मैं कहाँ फिक्स करूँ। फिक्स मी अप लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर दिस फिक्सेशन। अपने जीवन की फिक्सिंग के लिए मैं परमेश्वर आपके हाथ में हम लोग सौंपता हूँ। परमेश्वर, लेट्स गिव ए फ्यू मिनट्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सन्निधि में थोड़ी समय हम लोग सौंप के बोलेंगे लेट्स थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को हम लोग सौंपते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आई वॉन्ट टू बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन द चर्च। I want to be a responsible person in my family. I want to be a responsible person in my society. I want to be responsible in my community. I want to be responsible in the place where I live, so that I can produce something, so that I can cultivate something, so that I can make something grow, so that I can make something ready for the harvest, Lord. The church is named as a farm or a plantation. I am the part of a church. मैं कलीसिया के अंदर के एक सौभागी हूँ। मैं कलीसिया के अंदर के एक प्लांटेशन हूँ। मैं कलीसिया के अंदर का एक खेती हूँ। I am ready to do my job. मैं अपने काम को अच्छी तरीके से कार करने के लिए मैं तैयारित हूँ। Use me, Lord. I am here. Use me, Lord. मुझे उपयोग कीजिए। Let's pray together. परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we just give everything into your hands. परमेश्वर, आपके हर सन्निधि में हर विषयों को हम लोग सौंपते हैं। परमेश्वर, आज हमने देखा कलीसिया की उन्नति, बढ़ोतरी, प्रोडक्शन के बारे में हमने सुना। कलीसिया के अंदर रेस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत है। परमेश्वर, लोग उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल बन के परमेश्वर खेत में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ लाभदायक बनाने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के समय खेत को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करने के रीति से हमें उपयोग कीजिए बोलकर परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग समर्पण करते हैं। परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहुत सारे चीज़ों को छू कर लेके गया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।